हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों ने टाइटल से देख लिया है। यस गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एम्प्टी हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे डीएम आया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा कि ये कौन सी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बारे में। तो मैं YouTube पे सर्च किया और काफ़ी सारा वीडियो आई, तो मैंने सोचा कि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी और ओब्वियसली रिक्वेस्ट करो तो मैं उसको पूरा ना करूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो सकती है। अगर से कुछ कुछ जो कि है बिल्कुल खाली है, कुछ कुछ जो कि है थोड़ा बहुत उसमें है, क्योंकि मुझे जो भी एम्प्टीज हो जाती है मैं उसको फेंक देती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियोस कभी भी बनाऊंगी, तो आई होप आप लोग मुझे समझोगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्प देती है, पसंद आती है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। चलिए वीडियो को स्टार्ट करना, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैं तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है एक सीरम, और ये जो सीरम है ये एक लोटस का सीरम है। ये है लोटस का प्रोफेशनल व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सीरम। लोटस की जो ब्रांड है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मैंने बहुत दिनों के पहले लिया था, 1 ईयर हो गए हैं, और इसको मैंने यूज़ करने के बाद यहाँ पे तू सा बच्चा है जिसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। ओब्वियसली ये ख़त्म हो गया है और इसको मैं रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बदले में मैंने और एक सीरम यूज़ करा है जो कि है ये वाला मामाअर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम। विटामिन सी है इसमें, जो कि इसके बदले में मैंने इसको लिया था, और इसको लेने के बाद मुझे फील हुआ कि इसको लेने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद बिल्कुल भी बचा नहीं है, मैंने 1 मंथ में इसको बिल्कुल कम्प्लीटली कर दिया है। अगर थोड़ा बहुत बचा है तो मैं इसको बचा के इसलिए रखी हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही मैं इसको रिपर्चेस जरूर 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 करूँगी, क्योंकि इसको ही मैं मॉइस्चराइजर की तरह, नाइट क्रीम की तरह भी यूज कर, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट। उसके बाद मैं जो क्रीम के लिए यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ करती हूँ, वो है ये लोटस हर्बल का व्हाइट ग्लो स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम है ये। और इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताई है मेरी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने इसको यूज़ भी किया है मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में, और ये बिल्कुल इतना सा बचा हुआ है, लेकिन मैंने उसका रीस्टॉक मेरे पास रखा हुआ है। जब भी ऑफर वगैरह चलता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या ये भी ऑल स्किन टाइप है, आप अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। बात करने वाली हूँ ये है बयम का हल्दी एंड चंदन स्मूथनिंग फेस पैक, ये कुछ इस टाइप के बॉटल में आती है, और ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, और इसका जो स्मेल है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन में एक अलग सा ग्लो आती है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से स्किन के ऊपर काम करता है। बचा हुआ है, मैं उसको जरूर परचेस करूँगी पर्पल से। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी एक स्किन केयर या फिर लिप केयर, जो भी आप समझ सकते हो, ये है बायो लिप बाम, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतना सा है कि आप यूज़ करते जाओ ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाती है तो मैं इसको ज़रूर रिपर्चेस करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसका जो फ्रेग्रेंस है अमेजिंग है। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, और एक हल्का सा लिप के ऊपर टिंट देती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। ओब्वियसली ये न्यू बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा तो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, जो कि एम्प्टी प्रोडक्ट की बॉटल है मैंने फेंक दिया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप की हो, अगर आप ऑयली हो, पिंपल स्किन है आपकी, या फिर आपकी ड्राई स्किन है, ये आपके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करता है, और ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है, आप ज़रूर उसको ट्राई कर सकते हो। और ये आपको लोकल स्टोर में भी इजीली मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक हैंड क्रीम, जो कि है वाव की तरफ से, और ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आती है, और ये मुझे फ्री में मिला था वाव के शैम्पू एंड कंडीशनर में, और ये बिल्कुल भी एम्प्टी है, क्योंकि इसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ करा है, इतना ज़्यादा यूज़ करा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसका जो फ्रेग्रेंस है मुझे ये काफ़ी पसंद है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा है, अगर आप चाहो तो कोई भी अच्छा वाला हैंड क्रीम ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट, सबसे मुझे, मतलब जब से वो न्यू लॉन्च है तब से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये रोजिप सीरम गुड वाइब्स की, और ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, ये काफ़ी अच्छी गुड प्रोडक्ट है, मुझे पर्सनली ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये बहुत ही बड़ा बॉटल है, और छोटा बॉटल मैंने कितने सारे यूज़ कर चुकी हूँ मुझे मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, और ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली ये सीरम ट्राई कर सकते हो।
उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है सारा कुछ मेकअप में। और ये जो मेकअप प्रोडक्ट है सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक एनोएवे का नेल पॉलिश रिमूवर। ये बहुत ही बढ़िया है और आप देख सकते हैं उसमें अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने उसको इतना ज़्यादा यूज़ करा है। और ये एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरे जो फेवरेट होते हैं मैं उसको जब भी ऑफर वगैरह चलता है मैं उसको रिस्टॉक कर लेती हूँ क्योंकि कहीं पे भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे अभी पड़ रही है क्योंकि इसका जो न्यू बॉटल है मेरे पास है तो ओबियसली मैं उसको जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगी तभी जाके रिपर्चेस कर सकती हूँ। तो उसके बाद जो मेरा मेकअप प्रोडक्ट है वो है एक वे फाउंडेशन जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन, और ये बिल्कुल फिनिश्ड नहीं है, इसमें है बहुत सारा प्रोडक्ट है लेकिन ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर ये ख़त्म हो जाती है तो मैं इसको रिपर्चेस ज़रूर करूँगी और बहुत ही कम अमाउंट में बचा हुआ है क्योंकि मैंने उसको एक साल पहले लिया था और ये बहुत ही अच्छे से फेस पे काम करता है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो डेफिनेटली अगर आप ट्राई करना चाहते हो कोई भी अफोर्डेबल फाउंडेशन तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो भी एक अगेन एक फाउंडेशन है जो कि है मेबलिन की तरफ से, और इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा फिनिश कर चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और आप देख सकते हो उसकी हालत कैसी हो चुकी है। और इसको मैं ज़रूर रिपर्चेस करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कोई भी अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढ रही हो या फिर कुछ भी लगाने से पहले आप डर रही हो कि ये फाउंडेशन मेरे स्किन के ऊपर जाएगा या नहीं, तो डेफिनेटली आप ये वाला ट्राई कर सकते हो जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और इसको मैं जरूर रिपर्चेस करूंगी। और नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये दो कम्पैक्ट पाउडर, और ये है एनोएवे और ये है एक पर्पल का, और इस दोनों में से मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ करा है आप देख सकते हो उसकी हालत मैंने कैसे कर चुकी हूँ, और उसकी जो नामो निशान है बिल्कुल ऊपर से हट गई है लेकिन ये एनोएवे की तरफ से है और इसको मैंने रिपर्चेस कर चुकी हूँ। और ये सेकेंड जो प्रोडक्ट है मेरे पास न्यू बिल्कुल स्टॉक है और इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। सो यह सेकेंड जो मेरे पास है जो कम्पैक्ट वो है पर्पल की तरफ से, इसको भी मैंने रिस्टॉक करके रखा हुआ है और उसकी भी हालत कुछ इस टाइप की करा है मैंने, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। ये दोनों बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली दोनों कम्पैक्ट में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप एक ले लो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वो है एक मेकअप रिमूवर, रिमूवर है वो है ये गार्नियर की माइचेलो वाटर, और ये है नॉर्मल और कुछ एक येलो काइंड ऑफ कलर में आती है जो कि हेवी मेकअप के लिए होता है। इसको मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है और ये मेरा फेवरेट मेकअप है तो इसको मैं बार बार यूज़ करती रहती हूँ और ख़रीदती रहती हूँ। ओब्वियसली इसकी जो हालत है आप देख सकते हो बहुत ही कम बचा हुआ है और इसको मैं बहुत ही संभाल के यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका रीस्टॉक मेरे पास नहीं है, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और उसके बाद मैं इसको रीपर्चेस कर पाऊँगी। सो या ये मेरा वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेकअप को रिमूव करता है और ये मेरा बहुत ही अच्छी फेवरेट मेकअप रिमूवर है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है एक कंसीलर जो कि है मीनाओं की कंसीलर, और ओ माय गॉड अमेजिंग, मतलब अमेजिंग कंसीलर है। मुझे लगता है कि कोई भी हाई एंड ब्रांड को ये कंपेयर जरूर करेगा और इसको मैंने इतना यूज़ करा है इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, मतलब अगर थोड़ा बहुत निकलेगा तो बड़ी बात है क्योंकि उसको मुझे कफ एंड लैसेस से ऑर्डर करना पड़ेगा और ओब्वियसली कफ एंड लैसेस जो है अभी ऑर्डर नहीं ले रहे हैं तो मुझे लॉकडाउन के बाद ही ऑर्डर करना पड़ेगा। इसको लगाने के बाद आपको कोई भी फाउंडेशन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, होल फेस मेकअप मैंने इसी के साथ करा हुआ है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो बहुत ही अच्छा है। और ये 125 रुपीज़ का है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है एक आईब्राउ पेंसिल, और ये है वेटनवर की आईब्राउ पेंसिल जो कि इस टाइप के पैकेजिंग में आती है और ये मेरा सेकंड परचेस है। उसका जो फर्स्ट था मैंने उसको फिनिश कर लिया था, सेकंड जो है ये कुछ इस टाइप की स्पूली आ जाती है और ये कुछ इस टाइप के कलर में आती है आप देख सकते हो, और अभी मैंने जो आईब्राउ फिल करा हुआ है इसी के साथ ही करा हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया कलर है, उसको रिपर्चेस जरूर करूँगी। जो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है लास्ट में लिपस्टिक, लिपस्टिक के बिना कोई भी एम्प्टी हॉल हो या फिर कोई भी न्यू हॉल हो, मतलब कुछ भी हो लिपस्टिक के बिना अधूरा होती है। और ये जो प्रोडक्ट है वो है डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक और सेट नंबर 9, ये बहुत ही फेमस है पर्पल पे, अगर आप इसको सर्च करोगे ना ये कभी भी स्टॉक में नहीं होता है, हर टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक रहती है। ये जब न्यू लॉन्च था तभी मैंने इसको बाय करी थी और अमेजिंग कलर है, यस ये बिल्कुल न्यूड कलर है आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको एक अच्छा सा कलर देती है और इसके अंदर बहुत ही कम, मतलब नहीं है बराबर की बचा हुआ है, और इसको मैं इसलिए बचा के रखी हूँ
कोई भी आउटफिट पहन लो, कोई भी आउटफिट पहन लो, हर लुक के साथ ये जाती है। इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसमें बचा के रखा है। ओब्वियसली जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होगा या फिर ये स्टॉक में नहीं आएगा तो मैं इसे खरीदूंगी कैसे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसमें बचा के रखा है। ये था लास्ट एम्प्टी हॉल का। आई होप आपको ये वीडियो जरूर हेल्प दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस कम्प्लीटली फ्री में बार बार आपको बता रही हूँ। अगर आप मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी रिक्वेस्टेड या फिर सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप मैं जो भी आप रिक्वेस्ट कर रही हो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।